एंड वेलकम टू indiabud.com। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जेई का जो बेस्ट बुक का एग्जाम प्रिपरेशन करने का उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का बुक मिल जाएंगे कि तीन जो सब्जेक्ट्स के से क्वेश्चन आएंगे जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है और एक टेक्निकल पेपर है। तो ये तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारे बुक मिल जाएंगे और यहाँ आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर बुक के डिटेल्स मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें तब आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि कौन सा बुक लेना रहेगा, लेना चाहिए और वो आपके लिए एग्जाम के लिए अच्छा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि जो भी बुक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आपको हमारे वेबसाइट पर ले जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली जाके उस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप ऐसे अगर कहीं अमेजोन या कहीं भी सर्च करेंगे तो हो सकता है आप दूसरा एडिशन कुछ खरीद लें या कोई गलत बुक ले सकते हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है हमारे वेबसाइट पे तो वहाँ पर से आप जाके डायरेक्ट बुक ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, फ्री में रेगुलर अपडेट्स मिलेगा आपको एग्जाम से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो पहला सब्जेक्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो इस सब्जेक्ट के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है जिसका है नाम है अ न्यू अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये B.S. सिजवाली की बुक है और इंदु सिजवाली की बुक है, रीजनिंग की अधिहन पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट बुक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी रीजनिंग की बुक है और इसका है नाम है हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसके ऑथर है जय किशन और प्रेम किशन। इसमें भी आपको वर्बल, एनालिटिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग मिल जाएगा। ये आपका अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है। नेक्स्ट है बुक, वो है हिंदी में बुक है ये अरिहंत पब्लिकेशन का। तो जिनको हिंदी में एग्जाम देना हो और जिनको हिंदी समझ में आती है वो ये बुक जरूर ले। तो ये बुक का नाम है मास्टर रीजनिंग बुक वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल। ये के सिंह इसके ऑथर हैं और ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, मास्टर रीजनिंग बुक। नेक्स्ट बुक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है और ये काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे हेल्प होता है। तो इसका नाम है अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग। ये RS अग्रवाल जो फेमस ऑथर है उनकी बुक है और ये एस चंद पब्लिकेशन की बुक है। ये काफी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगा, लॉजिकल रीजनिंग का बुक था। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पर चलते हैं, वो है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक बुक है लूसेंट पब्लिकेशन का जनरल नॉलेज। तो इसका है जनरल नॉलेज नाम है और इसके ऑथर है डॉक्टर विनय खन्ना, RP सुमन, मानवेंद्र मुकुल, रेणु सिन्हा और संजीव कुमार। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, आपको यहाँ पर आपको काफी डिटेल्स जनरल नॉलेज का यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। दूसरा बुक ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज है, इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको काफी सारा मिल जाएगा। वो दी लूसेंट पब्लिकेशन का बुक है और इसके ऑथर हैं संजीव कुमार। तो इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए एक काफी अच्छा बुक है। नेक्स्ट बुक है लूसेंट सामान्य ज्ञान, ये हिंदी में बुक है तो जो हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बुक है। लूसेंट का सामान्य ज्ञान का है बुक और इसके ऑथर हैं लूसेंट पब्लिकेशन ही है और कंट्रीब्यूटर और ऑथर। नेक्स्ट एक पतला बुक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है जो 30 रुपए में बस है, ये बुक जरूर लें। इसमें काफी कॉन्साइज, काफी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इसका है नाम है जनरल नॉलेज 2020। ये अरिहंत एक्सपर्ट्स का बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन का जनरल नॉलेज 2020, मनोहर पांडे का बुक है ये, ऑथर इसके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, पतला है लेकिन काफी इसमें भी हेल्पफुल ये होता है, काफी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं।
नेक्स्ट बुक है, ये हिंदी में बुक है, तो जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की तैयारी हिंदी में करना चाहते हैं उनके लिए ये बुक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बाय लूसेंट्स पब्लिकेशन, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, और इसके ऑथर हैं नीरज चंद्रा चौधरी, और ये आप बुक देख सकते हैं, लूसेंट पब्लिकेशन की बुक है। करंट अफेयर्स के लिए ये जो मैगजीन आता है मेड इजी का, वो काफी अच्छा मैगजीन है, जो कि आपको हर 3 महीने पे आता है, क्वार्टरली मैगजीन है। तो इसका नाम है करंट अफेयर्स क्वार्टरली इशू जनवरी टू मार्च 2019 बाई एमी एडिटोरियल बोर्ड, इसके ऑथर हैं। तो यहाँ पर आपको काफी क्वार्टरली जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा उसके डिटेल्स मिल जाएंगे, मेड इजी पब्लिकेशन का है। और अभी तो मार्च वाला भी ले लीजिए, उसके बाद फिर अप्रैल से लेके जून तक वाला जो एडिशन होगा वो भी जरूर ले लें। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, जो टेक्निकल पोर्शन पे आते हैं, तो सबसे पहले जो ब्रांच की बात करते हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए काफी अच्छा बुक है, कॉन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें दोनों सब टाइप के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। 2018-19 सीजन का है, आर एस खुरमी ऑथर है और जेके गुप्ता काफी अच्छे ऑथर्स हैं। इनकी बुक है एस चांद पब्लिकेशन की, ये आपको काफी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ये सब में भी हेल्प होगा, गेट में भी हेल्प होगा, तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ले लें। इस पर आपको 450 से 4,500 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट बुक है सिविल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1, तो इसमें दो वॉल्यूम में बुक है। तो पहला वॉल्यूम ये है जो कि वाई सी टी पब्लिकेशन की है, तो यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है, सिविल इंजीनियरिंग 1, ये हिंदी में पूरे बुक है, सॉल्व पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे। 9698 9698 पूछे गए क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसका वॉल्यूम 2 भी है, तो वॉल्यूम 2 भी है, सिविल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2 है बाय वाई सी टी ऑथर, तो ये है, इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर्स ये सब मिल जाएंगे, इसमें एसएससी जेई का सॉल्व पेपर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो बुक है वो है एसएससी जेई सिविल 2019 इंजीनियरिंग सॉल्व पेपर्स, ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का है, ये आप देख सकते हैं हिंदी में आपको बिल्कुल सॉल्व पेपर मिल जाएगा, 3100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। एसएससी जेई 2019 के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप सॉल्व पेपर्स देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किए गए हैं तो ये आप देख सकते हैं। और 2005 से लेके आप देख सकते हैं यहाँ पर 2018 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट बुक है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस के प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छा बुक है, सिविल इंजीनियरिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसके ऑथर हैं एसपी गुप्ता और एसएस गुप्ता। तो ये जो बुक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये भी बुक ले सकते हैं आप। नेक्स्ट जो बुक है एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग फॉर जूनियर इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर के लिए बुक है, इसमें भी काफी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। एसएससी जेई का चूंकि जूनियर इंजीनियर से ही रिलेटेड एग्जाम है, तो एसएससी से रिलेटेड बिल्कुल स्पेसिफिक अगर बुक लेना है तो ये भी आप ले सकते हैं, एसएससी जेई 2018-19 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स जो है इसमें फॉर पेपर 1, ये जीकेपी पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें लास्ट 2008 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद हैंडबुक एक सिविल इंजीनियरिंग का है, जिसमें आपको फॉर्मूले और की थ्योरी कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, मेड इजी एडिटोरियल बोर्ड का। तो यहाँ पर इमेज गलत आ गया, ये दूसरा एक बुक है जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग का जब आप सर्च करेंगे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, आप वो जाके जरूर ले लें, वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, काफी एग्जाम में आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यूसी एमईएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस फॉर जूनियर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2018-19 बाय जीकेपी ऑथर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है एसएससी जेई
CWCMES मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर जूनियर इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2018-19 जीकेपी पब्लिकेशन का है ये। आपको ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है जहाँ पर आपको एसएससी जेई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको काफी मिल जाएंगे। ये बिल्कुल बुक एसएससी जेई से ही फोकस्ड है। नेक्स्ट जो बुक है एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर जूनियर इंजीनियर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स 2008 से लेकिन 18 2018-19 फॉर पेपर वन, ये जीकेपी पब्लिकेशन का बुक है। 2008 से लेकर 18 तक 2018 तक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, जीकेपी पब्लिकेशन का बुक है। नेक्स्ट जो बुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव टाइप्स 2018-19 सेशन का, ये आर एस कोर में इसके ऑथर है। यहाँ पर आपको 5000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंट मिल जाएंगे। इस बुक में आपको कॉन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके ऑथर हैं आर एस कुर्मी और जेके गुप्ता, एशियन पब्लिकेशन की बुक है। नेक्स्ट जो बुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम वन YCT पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पर हिंदी में आपको सारा कुछ दिया हुआ है सॉल्व पेपर्स, इसमें 6637 पूछे हुए क्वेश्चंस का आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट जो बुक है SSC JEE एंड अदर JEE मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम प्लानर वॉल्यूम टू, तो ये पार्ट 2 है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स YCT का ही बुक है और इसमें भी दिया हुआ है 6637 पूछे गए क्वेश्चंस दिए हुए हैं पिछले बार के। उसके बाद SSC JEE मैकेनिकल चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये भी हिंदी में आपको 30 अध्यायवार आपको सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं। 2713+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 2007 से लेके 18 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बुक है SSC JEE CPWD पेपर 1 22 सॉल्व पेपर्स 2008 से लेके 18 तक का 22 सॉल्व पेपर आपको दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, या जीकेपी पब्लिकेशन का बुक है, हिंदी में है, बाई लिंगुअल है ये बुक, और यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा और 22 सेट दिए हुए हैं जिसमें आपको पूरे सॉल्व पेपर्स भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट बुक है हैंडबुक ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंटेन्स वेल इलस्ट्रेटेड फॉर्मूले एंड की थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जैसे मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग में बताया था वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर की फॉर्मूले और की थ्योरी कॉन्सेप्ट्स है वो आप इजीली समझ सकते हैं। को सारा कुछ बिल्कुल छोटे में दिया, बहुत ही कम पेजेस में दिया रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट को फॉर्मूले और थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये काफी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे पहला बुक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 है YCT पब्लिकेशन का, तो इसमें 9770 पूछे हुए क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 1650 वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको काफी इंपॉर्टेंट बुक है इसमें एग्जाम प्लानर और पूर्व एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट है यूथ SSC JEE UPPCL UPRVUNL JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परीक्षा प्लानर वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 है ये और इसमें आपको पूर्व परीक्षाओं के अध्यायवार सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं। YCT पब्लिकेशन का बुक है जैसा कि पार्ट 1 आपने पिछला देखा। नेक्स्ट जो बुक है SSC JEE CPWD MES इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर जूनियर इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये जीकेपी पब्लिकेशन का बुक है। SSC JEE 2018-19 के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पर आपको इन तरह के एग्जाम्स के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट आपको डिटेल मिल जाएंगे। तो ये SSC JEE के लिए बिल्कुल फोकस्ड बुक है। नेक्स्ट जो बुक है SSC JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर जूनियर इंजीनियर्स, ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है 2008 से लेकर 18 तक, जीकेपी पब्लिकेशन का बुक है और यहाँ पर पेपर 1 का दिया हुआ है जिसमें आपको 8 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे 2017 के, 5 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे 2018 के और 3 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट बुक है SSC JEE पेपर 1 22 सॉल्व पेपर्स, इसमें 2008 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाई GKP ऑथर, ये आपको बाइलिंगुअल बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस जो है पिछले 2008 से लेकर 2018 तक जो पूछे गए हैं वो। नेक्स्ट जो है वो बुक है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी 2018-19 सेशन का बुक है, वीके मेहता ऑथर है और रोहित मेहता इसके ऑथर है। इसमें आपको 5000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हिंट मिल जाएंगे। इसके जो पब्लिकेशन है वो एस चंद पब्लिकेशन की बुक है,
ये और बेहतर एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगी। जो लास्ट बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वो है इलस्ट्रेटेड फॉर्मूले एंड की थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बाय मेयर डीजी एडिटोरियल बोर्ड। जैसा सिविल और मैकेनिकल में बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जहाँ पर आपको की फॉर्मूले और थ्योरी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बुक है, IAS गेट PSU कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आ रहे हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूलेज मिल जाते हैं और उसके बाद की थ्योरी कॉन्सेप्ट भी मिल जाते हैं। तो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जा जब आप क्लिक करेंगे वहाँ आपको सारे डिटेल्स लिंक पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कौन कौन सा बुक है, और वहाँ पर से जाके आप परचेज कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो उससे हो सकता है आप गलत बुक परचेज कर लें, या पुराने एडिशन का बुक आप परचेज कर लें, लेकिन आप डायरेक्ट लिंक से जब परचेज करेंगे तो आप एग्जैक्ट वही बुक परचेज करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई सवाल के लिए कमेंट करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन को प्रेस करें, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो करें।